डू दिस एक्सपेरिमेंट अंडर सुपरविजन ऑफ अडल्ट्स एंड ऑलवेज यूज ग्लव्स। आज हम लोग कॉइन के ऊपर कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट बहुत हार्मफुल केमिकल है, इसलिए आप इस एक्सपेरिमेंट को बड़ों के साथ ही करें। कॉपर सल्फेट को हिंदी में नीला थोता भी कहते हैं। सबसे पहले कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को पानी में मिलाइए और उसका सल्यूशन बनाइए। इस तरह कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इस तरह दिखते हैं। यह एक कॉपर रॉड है, इसको मैंने 9 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है और इस कॉइन को मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है। अब मैं कॉपर रॉड को सॉल्यूशन के अंदर डालता हूँ। कॉइन को रॉड से दूर इस सॉल्यूशन के अंदर डालता हूँ और थोड़ा सा हिलाता हूँ। कॉइन कॉपर के कलर का हो गया है। देखिए कॉपर कॉइन के ऊपर डिपॉजिट हो गया है। अब मैं अपने भाई के कॉइन पर कॉपर डिपॉजिट करता हूँ। देखिए कॉपर डिपॉजिट हो गया। अब मैं स्क्रू के ऊपर कॉपर डिपॉजिट करता हूँ। इस स्क्रू के ऊपर भी कॉपर डिपॉजिट हो गया। गैल्वनाइज्ड आयरन। इस पर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई और हमारे नाम का पहला अक्षर वैसा का वैसा ही है। अब हम लोग कॉपर रॉड को देखते हैं। कॉपर रॉड की शाइनिंग बहुत कम हो गई क्योंकि इसमें से बहुत सारा कॉपर कॉपर सल्फेट में घुल गया। आप भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करें, आसान है पर बड़ों के साथ।